मुझे याद है 2020 में जब कोविड सिचुएशन बहुत ही पीक पे था और कंट्री में लॉकडाउन थी, उस सिचुएशन में सारे डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी और सारे डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पे जाया करते थे। वो अपनी ड्यूटी से आए, जब हॉस्पिटल से वो आए तो उन्होंने बोला मुझे थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जब उन्होंने ये बात बोली तो हमने उनका टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद हमें पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव हो गए। हमने बहुत कोशिश करी बोकारो के हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट दिलवाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर होने के बावजूद ना उन्हें बोकारो में कहीं हॉस्पिटल में सीट मिली और ना ही नियर बाय रांची के हॉस्पिटल्स में सीट मिली। कुछ डॉक्टर्स की हेल्प से एक सीट अवेलेबल हुई, वो भी हमारे बोकारो से काफ़ी दूर दुर्गापुर में हमें अवेलेबल हुई। आया वहाँ, उनकी ट्रीटमेंट चली और 2 दिन के बाद ही अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद हमारी स्ट्रगल स्टार्ट हुई। हमें कॉम्पनसेशन देगी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इनिशिएशन नहीं था। गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ हमें खोखले वादे मिले। मेरे हस्बैंड को कोविड वॉरियर का अवार्ड दिया गया, जो मुझे धनबाद के डीसी ने प्रॉमिस किया था। कॉम्पनसेशन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, उस कॉम्पनसेशन को भी नहीं मिला, हमें नहीं दिया गया। आज भी वो पेपर्स में ही कहीं खो के रह गया है। मालूम है कि डॉक्टर्स ने कैसे अपनी ड्यूटी करी है उन टफ सिचुएशंस में, जब पीपीई किट भी अवेलेबल नहीं होता था, न मास्क उन्हें प्रोवाइड किए जाते थे, सैनिटाइजर्स भी दिए जाते थे मगर वो भी किसी काम के नहीं थे, और ना इंजेक्शन हुआ करते थे ना मेडिसिंस हुआ करते थे। बट स्टिल उस टाइम पीरियड में सारे डॉक्टर्स ने अपनी ड्यूटी की है। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगी, आपने जो वादे किए हमारे साथ जब हमारे हस्बैंड ने या सारे डॉक्टर्स ने अपनी 200% दी आप लोगों को, तो आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो? आप भी अपना काम करो, उनको कोरोना वॉरियर्स के अवार्ड दो, उनको अप्रिशिएट करो, उनकी जो उन्होंने डिवोशन दिखाई उन डिवोशन को कम से कम आप लोग अप्रिशिएट करो, उन फैमिलीज के साथ खड़े रहो, बिकॉज दैट वॉज द वर्स्ट सिचुएशन कंट्री ने फेस किया। मेरी आवाज़ हर उन डॉक्टर्स तक भी पहुँचे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो मेरे लिए खड़े हैं, और मैं चाहती हूँ जितने लोगों ने भी अपना दिखाया अपनी ड्यूटी के प्रति, उन्होंने अपना डिवोशन दिखाया, आप प्लीज़ उनको रिकग्नाइज करो।